हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट सीटेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए गुड न्यूज है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास कमेंट आते थे स्टूडेंट्स के कि मैम एग्ज़ाम कब तक होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक देखने को हमको मिल जाएगा। तो मैंने एक वीडियो में कंफर्म डेट आपको बता दी थी, जो भी सोर्सेज थे पता करके मैंने, ठीक है। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके जो रिलेशन में काम करते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो उनके द्वारा मैंने पता करवाया था। उन्होंने यही बताया था कि एग्ज़ाम जो है सेम प्रोसेस रहेगा लास्ट ईयर की तरह, एग्ज़ाम दिसंबर टू जनवरी होगा, ठीक है। और इस हफ्ते उन्होंने बताया था कि इस हफ्ते ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैंने वीडियो में ये चीज़ बता दी थी, आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस हफ्ते आपको देखने को मिला और मिल भी गया है, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक न्यूज दी जाती है, ऑफिशियल न्यूज दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी न्यूज आपको इस चैनल से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। मैंने अभी नया चैनल ही स्टार्ट किया है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है चैनल के माध्यम से, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर की जाती है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्या प्रोसेस होने वाला है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। जो पब्लिक नोटिस जारी हुआ है उसमें आपकी जो है एग्जाम डेट कब से कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें यही बताया गया है, जो भी स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम देंगे उनको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और जो आपकी एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिलअप हो जाएंगे वो 31/10/2022 से आप जो है फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप दिवाली मनाते हैं अपने फेस्टिवल्स, तो आपके लिए जो है पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा 31/10/2022 से आप जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट डेट इसमें दी गई है 24/11/2022 थर्सडे, ठीक है, लास्ट डेट रहने वाली है। तो इस तारीख तक आप अपना फॉर्म जरूर फिलअप कर ले, जो भी स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं। उसी के साथ मैं बता दूं, दिसंबर से जनवरी एक महीना आपका एग्जाम चलने वाला है, जिस तरह लास्ट ईयर प्रोसेस आया था सेम प्रोसेस रहने वाला है। उसी के साथ जो भी स्टूडेंट पेपर वन और पेपर टू दोनों एक साथ एग्जाम देने वाले हैं, पेपर वन और पेपर टू का, तो उनके लिए 1200 रुपये फीस लगेगी। अगर सिर्फ एक ही पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर वन हो या पेपर टू हो, ठीक है, तो 1000 रुपये फीस लगेगी। उन स्टूडेंट को लगेगी जो जनरल और ओबीसी से हैं, ठीक है। जनरल और ओबीसी के वाले जो स्टूडेंट है, अगर पेपर वन या पेपर टू के लिए एक ही पेपर के लिए अप्लाई करोगे तो 1000 रुपये फीस है, दोनों के लिए अप्लाई साथ में करोगे तो 1200 रुपये फीस है। उसी के साथ जो अदर कैटेगरीज हैं एससी एसटी वाले, ठीक है, अगर वो एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, पेपर वन हो या पेपर टू हो, 500 रुपये फीस लगेगी। या दोनों ही पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 700 रुपये फीस लगेगी, ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा फीस का। उसी के साथ मैं बता दूं, सिलेबस का यहाँ पे जो है दो लेवल्स में एग्जाम होता है, लेवल वन और लेवल टू। दोनों ही लेवल में 150 मार्क्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं दोनों ही लेवल पे, लेवल वन पे भी और लेवल टू पे। जो लेवल वन होता है फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए कंडक्ट कराया जाता है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करके आप जो टीचर बनोगे फर्स्ट टू फिफ्थ के बनोगे। और जो लेवल टू का पेपर होता है वो 6 to 8 तक की सिलेबस से पूछा जाता है, अगर आप टीचर बनोगे तो 6 to 8 क्लास के आप टीचर बनोगे, ठीक है। तो ये होता है लेवल वन और लेवल टू, सब्जेक्ट दोनों में ही 5-5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, लेवल वन में भी और लेवल टू में भी। देखिए, लेवल वन का सिलेबस मैं आपसे पहले बता दूं, सीडीपी पूछी जाएगी 30 मार्क्स की, ठीक है, 30 मार्क्स की सीडीपी हो गई, जिसमें से आपको 50 मार्क्स का कंटेंट और 50 मार्क्स की आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी। उसी तरह से दो लैंग्वेज पूछी जाती है, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, वो आपकी लैंग्वेज वन में आप चॉइस करें। जैसे कि मेरी हिंदी है तो मैंने लैंग्वेज वन हिंदी ली थी। उसी के साथ जो आपकी लर्निंग लैंग्वेज, जो स्कूल में सिखाई गई, उर्दू हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज हो, तो उसके रूप में आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। मेरी इंग्लिश थी तो मैंने इंग्लिश ली थी, इस तरह से आप ले सकते हैं। लैंग्वेज वन और लैंग्वेज दो लैंग्वेज लेनी पड़ती हैं। और देखो, लेवल वन में ईवीएस से क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स की ईवीएस पूछी जाती है, उसमें भी 30 मार्क्स का कंटेंट और 30 मार्क्स की पेडागोजी, सभी में यही होता है। 30-30 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट होते हैं, 15 मार्क्स की कंटेंट होता है और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। और 30 मार्क्स का इस तरह से मैथ आता है, उसमें भी कंटेंट प्लस पेडागोजी पूछी जाती है। तो 150 का पेपर होता है लेवल वन में, इसी तरह से लेवल टू में भी 150 का ही पेपर होता है, 30 मार्क्स की सीडीपी, कंटेंट प्लस पेडागोजी। उसी तरह से लैंग्वेज आएगी, नेटिव लैंग्वेज ले सकते हैं, लर्निंग लैंग्वेज दो लैंग्वेज पूछी जाती है 30-30 मार्क्स की। और आपसे देखो, जो बच्चे हैं आर्ट वाले उनको एसएसटी लेना पड़ता है, और जो साइंस वाले हैं उनको मैथ साइंस लेना पड़ता है, ठीक है। दो चॉइस आपको मिलती हैं,
ठीक है, मेरा मैथ साइंस था तो मैंने मैथ साइंस लिया था। तो 30 क्वेश्चन आपसे मैथ के और 30 क्वेश्चन साइंस के, और जो स्टूडेंट एसएसटी लेते हैं तो उनसे 60 क्वेश्चंस जो है एसएसटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें भी डिवाइडेड है, जैसे 30 मार्क्स की साइंस है तो 50 क्वेश्चंस पेडागोजी के और 50 जो है कंटेंट के। इसी तरह मैथ के 50 कंटेंट और 50 जो है पेडागोजी। ठीक है, तो लगभग ये होता है जैसे 150 का पेपर होता तो 75% लगभग आपकी पेडागोजी पूछी जाती है, शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है, ये सिलेबस होता है, जिसमें से अगर आप क्वालिफाई करते हैं 150 में से 90 मार्क्स जनरल वालों को चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, अदर को चाहिए 82 मार्क्स, तो आप जो है एलिजिबल हो जाओगे, इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे। उसी के साथ मैं बता दूं, इस एग्जाम को क्रैक करना इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कौन से चैनल को फॉलो कर रहे हो, कौन सी बुक आप खरीद रहे हो, नोट्स कैसे बना रहे हो। इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इस चैनल पर मैंने डाली हुई, आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जरूर देखें, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं कि किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, हाउस वाइफ हो, वर्किंग वाइफ हो, सभी के लिए मैंने बताया, सब बस 3 से 4 घंटे, अगर आप 1 महीना 1.5 महीना पढ़ते हो तो जरूर से जरूर इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करोगे, अच्छे नंबर से आप इस एग्जाम को क्रैक करोगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपसे शेयर की थी। देखो, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट लेवल 1-2 क्वालिफाई किए हैं, एसटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैंने जो है अभी जो रीट का एग्जाम हुआ था, अब मैं रीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ, तो रीट जो है मेरा क्वालिफाई है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सभी को बताया था कि किस तरह से आप भी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो सीटेट का एग्जाम, कोई भी अटेम्प्ट हो, ठीक है, मैं तो यही कहूंगी कोई भी अटेम्प्ट हो, सभी के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट हो या कोई भी अटेम्प्ट हो, अपना सीटेट का एग्जाम जरूर क्वालिफाई करें। सीटेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी टेट का एग्जाम हो, वो मेन नहीं होता, उसके बाद जो मेन एग्जाम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि आपको नौकरी मिलती है। तो टेट के एग्जाम के पे आप इतनी वो टेंशन ना लें, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही क्वालिफाई कर ले, मेरा तो कहना यही है, इतनी मेहनत करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। और सीटेट का एग्जाम तो इजीली हो जाता है, सिर्फ आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, कौन सी चीजें पढ़ रहे हो, एग्जाम ओरिएंटेड है या एग्जाम से ओरिएंटेड ही नहीं है। ठीक है, मैंने सारी चीजें बताई थी जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जरूर जाके देखें, मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, मोस्ट हेल्पफुल रहेगा। इस बार मैं भी आपको सीटेट 2022 की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ।